हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एज वी आर नोइंग, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 6, मार्केट मैकेनिज्म। चैप्टर नंबर 6, मार्केट मैकेनिज्म, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। एंड टुडेज टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। देखिए यहां पे ध्यान से क्या मैंने लिखा है। आज का टॉपिक क्या है? टुडेज टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, याद करिए? इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड। क्या पढ़ा था? इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑन एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये टॉपिक पढ़ा था। अब वो भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था और ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमको समझना है, ठीक है। एज वी आर नोइंग, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, आपको अगर स्टार्टिंग से सारी चीजों को समझना है तो आप जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को सीरियल वाइज लगे हैं, मार्केट मैकेनिज्म 1-2 आप उसको देख सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, अब हमें क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में और उसका एक्सप्लेनेशन हमको कैसे देना है, ठीक है। किताबों में तो बहुत सारी चीजें दी हुई है, बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट दी हुई, लेकिन हमें क्या लिखना है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के आंसर में और कैसे इन चीजों को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है, इस चीज को हमको सीखना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इन चीजों को करेंगे। आइए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा इफ मार्केट इज ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्या है, इफ मार्केट इज ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट, EQ मैंने लिखा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स चेंज, क्या कह रहा है, व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स चेंज, चेंज का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, चेंज का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज, What will be the impact on equilibrium price and equilibrium quantity of goods? क्या impact होगा अगर supply बढ़ेगा तो और supply घटेगा तो, दोनों तरीकों से question आ सकता है। यहाँ पे change की जगह क्या कर देगा, if the supply of goods may increase or if the supply of goods decrease, और इसी में आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। आई बात समझ में, होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा, आइए देखते हैं कैसे इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दिस इज माय टॉपिक। एंड क्वेश्चन मेरा क्या है, इफ मार्केट इज ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक बार मैं फिर पढ़ दे रहा हूं, इफ मार्केट इज ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स चेंज What will be the impact on equilibrium price and equilibrium quantity of goods? मतलब equilibrium price और equilibrium quantity पे क्या impact पड़ेगा supply के घटने और बढ़ने, आई बात समझ में? तो अगर क्या होगा, हम एक ही डायग्राम बनाएंगे और एक ही में दोनों चीजों को mention करेंगे, increase और decrease, या फिर अलग अलग भी आप देख लीजिए। If the increase in supply, पहला डायग्राम, पहला केस इंक्रीज इन सप्लाई, फर्स्ट कंडीशन, और दूसरा कंडीशन क्या हो गया, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे किसकी, मार्केट इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे, इस चीज को हमको सीखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग मार्केट इक्विलिब्रियम की मीनिंग लिखेंगे, दोनों कंडीशंस में मीनिंग लिख देंगे आप लोग, ठीक है ना। मार्केट इक्विलिब्रियम, मैंने दोनों कंडीशन अलग अलग पूछे जा सकते हैं, एक साथ भी पूछे जा सकते हैं, अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, ये दोनों डायग्राम आप एक में भी बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी परेशानी है, मैं आपको अलग अलग करके दिखा दे रहा हूं, इससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।
तो अगर अलग अलग आता है या एक में भी आता है तो आप क्या करेंगे, सेम प्रोसीडिंग को अपनाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आप मीनिंग लिखेंगे किसकी, मार्केट इक्विलिब्रियम की। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसा कंडीशन है जहां क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना, और क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है, जिस प्राइस पे इक्वल होती है, वो क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या। तो सबसे पहले हम मीनिंग लिख देंगे, मीनिंग आप लोग जान रहे हो, मीनिंग नहीं जान रहा हूं तो जाके फर्स्ट लेक्चर में जाके उसको नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम उसके बाद बनाएंगे क्या, डायग्राम। डायग्राम सेकेंड पॉइंट मेरा क्या होगा, एक्सप्लेनेशन प्लस डायग्राम। तो डायग्राम में हमारा क्या होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये ओ होगा, ओ एक्सिस होगा, ठीक है। यहां भी डायग्राम, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओ एक्सिस हो गया, ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम का कंडीशन आप जान रहे हैं क्या होता है, ये हो गया क्या, डिमांड कर्व डीडी, एंड ये हो गया सप्लाई कर्व एसएस। ये मेरा पॉइंट जिस पॉइंट पे काट रहा है वो क्या हो गया, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? देख लिया। अब क्या कह रहा है कंडीशन, क्या इफ इंक्रीज इन सप्लाई, क्या कह रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज होगा, ये सप्लाई कर रहा है, तो देखिए सप्लाई जब इंक्रीज होगा तो राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, शिफ्ट हुआ इधर, इस शिफ्ट हुआ इधर। अब कहां कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट रहा है E1। ओके, अब देखिए ये यहां बन गया Q से Q1 हो गया और ये P से E1 हो गया। क्लियर? क्लियर हुआ कि क्या हुआ, देखिए क्या होता है, ये S से S1 हो गया। ओके, क्या कर रहा है, इफ इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ा, सप्लाई बढ़ेगी तो क्या हुआ, सप्लाई कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी, सप्लाई कर्व जो शिफ्ट हो जाएगी किधर शिफ्ट हो जाएगी, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये राइट शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो जब राइट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा तो आप क्या देख रहे हैं, प्राइस जो हमारा प्राइस क्या हुआ, ओपी से OP1 हो गया, ओपी था OP1 हो गया, क्वांटिटी मेरा OQ से OQ1 हो गया, क्वांटिटी मेरी बढ़ रही है, प्राइस मेरा घट रहा है, सप्लाई के केस में व्हेन द सप्लाई इज शिफ्टिंग योर इंक्रीजिंग देन व्हाट इज इंपैक्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये मेरी क्या है, प्राइस है, और ये मेरा क्या है, क्वांटिटी है। ओके, तो अब क्या पड़ रहा है, मेरा प्राइस पे क्या इंपैक्ट, किस पे इंपैक्ट पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे, तो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो रहा है, इंपैक्ट क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस पे इंपैक्ट ये आ रहा है कि मेरी प्राइस ओपी से OP1 हो जा रही है और OQ क्वांटिटी मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, OQ से OP1 हो गया। आप देख रहे हैं प्राइस गिर रही है, मतलब ओपी से OP1 हो गया, गिर गई, और जो क्वांटिटी है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जा रही है, तो क्या होगा, इफ इन द केस ऑफ क्या, इफ मार्केट इज ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट, इफ द सप्लाई इंक्रीजिंग देन द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू राइट वर्ड, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड, एंड इन द कंक्लूजन व्हाट यू विल राइट इन द कंक्लूजन क्या लिखेंगे आप, कि जो प्राइस है वो क्या हो रही है, ओपी से OP1 हो जा रही है और क्वांटिटीज में क्या चेंज हो रहा है, OQ से OQ1 हो जा रही है। तो अब मीनिंग लिखा, डायग्राम बनाया, इसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन,
एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, इन द अबव डायग्राम क्या लिखेंगे, पहले इस डायग्राम को इंट्रोड्यूस करेंगे, इन द अबव डायग्राम डीडी इज डिमांड कर एंड एसएस इज द सप्लाई कर, ओके, पॉइंट वाइज आप एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे, डीडी इज द डिमांड कर, एसएस इज द सप्लाई कर, ओके ओके। अब क्या हो रहा है, इफ सेकेंड पॉइंट में इफ सप्लाई इज इन एंड ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्या लिखेंगे, ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके। उसके बाद इफ द सप्लाई इज, फिर सेकेंड पॉइंट में या पॉइंट वाइज आप लिखते जाएंगे, एक एक पॉइंट को, डीडी इज द डिमांड कर, एसएस इज द सप्लाई कर एंड ई इज द मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना, ई इज द मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन द सप्लाई विल बी इंक्रीज, ठीक है ना, व्हेन द सप्लाई विल बी इंक्रीज देन क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इट विल बी चेंज फ्रॉम ओक्यू टू ओक्यू वन एंड द इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी टू ओपी वन। ये आप एक्सप्लेनेशन में आप बता दें, एक एक चीज को आप एक्सप्लेन कर देंगे ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, क्लियर। इसके बाद लास्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन क्या, इफ इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, कॉन्क्लूजन में आप क्या लिखेंगे, कॉन्क्लूजन में आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी टू ओपी वन एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सेकेंड पॉइंट में सेकेंड कॉन्क्लूजन क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज ओक्यू टू ओक्यू वन इज कन्वर्टिंग इन ओक्यू टू ओक्यू वन। तो ये एक्सप्लेनेशन आप इंक्रीज इन सप्लाई पर आप सीधे टिक सिक्स मार्क्स दे विल गेट, गेटिंग ओवर। अब देखते हैं डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा, ये डिमांड कर, ये सप्लाई कर, डीडी एस एस इज द सप्लाई कर, ओके, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके। अब व्हेन द सप्लाई इज डिक्रीजिंग तो क्या होगा, सप्लाई क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, देख रहे हो सप्लाई का क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, S1 सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया S1। अच्छा अब देखो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, E1, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, P1, ओके, ये हो जाएगा फिर आपका क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये OQ हो जाएगा, OQ1 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखा सप्लाई कर शिफ्ट हो गया किधर, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ तो इम्पैक्ट क्या आया, इधर प्राइस हो गया, इधर क्वांटिटी हो गई। फिर आप वही सेम प्रोसीजर डिक्रीज इन सप्लाई में, मीनिंग डायग्राम इसका एक्सप्लेनेशन, इन द अबव डायग्राम डीडी इज द डिमांड कर, एसएस इज द सप्लाई कर, ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके। देन व्हेन द सप्लाई विल बी डिक्रीज देन द इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट टू E2, E1 एंड इक्विलिब्रियम प्राइस P2, P1, इक्विलिब्रियम प्राइस OP2, OP1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ2, OQ1, क्लियर ना। अब उसके बाद कॉन्क्लूजन में आप लिखोगे क्या, सेम कॉन्क्लूजन में आप सारी चीजों को लिखोगे क्या, आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस आपकी घट के ईपी से ईपी1 हो जा रही है, ओपी से ओपी1 हो जा रही है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी ओक्यू से OQ1 हो जा रही है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करके आप बहुत इजियर है, सिक्स मार्क्स आप बहुत इजिली पा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि इन ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो बच्चे जान ही नहीं पाते हैं उनको क्या लिखना है, उनको क्या करना है। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप क्या पहले मीनिंग लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम को अपने इसमें पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे, अपने वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वॉट एवर यू हैव डन इन द डायग्राम यू विल राइट द ईच एंड एवरीथिंग एंड देन आफ्टर आपका कंक्लूजन सही होना चाहिए क्या है। अगर एग्जामिनर क्या देखता है, आपका कंक्लूजन देखता है, डायग्राम देखता है, टिक सिक्स मार्क्स आपको दे देता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं, इन चीजों को अच्छे से समझना है और अच्छे से करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ओके। अच्छा अब इसके बाद की जो लेक्चर्स हैं वो साइमल्टेनियसली चेंज वाले हैं, एक साथ डिमांड और सप्लाई में जब चेंजेस होते हैं तो उसका वो सारे पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर लास्ट टॉपिक जो फ्लोर प्राइसिंग वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, अपने काम करते चलिए,
फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. वो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी अच्छे से. ओके थैंक यू.